क्या प्रदेश में होने वाली है तालाबंदी? क्या प्रदेश सरकार लगाने वाली है लॉकडाउन? क्या एक बार फिर से घरों में होना पड़ेगा कैद? सीएम योगी के आदेश क्या देते हैं संकेत? सीएम की तैयारियों और आदेशों में छुपा है बड़ा राज। सीएम के आदेशों की समीक्षा से हुआ बड़ा खुलासा। देखिए क्या कहती है आदेशों की समीक्षा रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने प्रदेश की सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की नींव को हिला दिया है। हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। सीएम खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और लगातार हालातों को संभालने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए अब एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन ही बढ़ते संक्रमण को रोकने का इकलौता उपाय है। लेकिन सरकार का दावा है कि वो लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती। वहीं अब बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसे आदेश दिए हैं जिनसे साफ संकेत मिलता है कि आज नहीं तो कल सरकार लॉकडाउन जरूर लगा सकती है। और सरकार के इन संकेतों के बाद प्रदेश की आवाम की धड़कनें बढ़ गई हैं। सवाल इस बात का है कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो फिर रोज कमाने खाने वालों का क्या होगा? साथ ही सवाल इस बात का है कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो फिर क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा? साथ ही सवाल ये भी है कि वो कौन से आदेश हैं जो लॉकडाउन का संकेत देते हैं। तो बिना देर किए हुए आइए सरकार की तैयारियों और आदेशों की समीक्षा से जो देखने को मिलता है उसकी बात करते हैं। दरअसल कोरोना संक्रमित सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली लगातार अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं और एक के बाद एक आदेश जारी कर रहे हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। पिछले साल कोविड काल में सरकार ने रिक्शा चालकों, पटरी व्यवसायियों, निर्माण श्रमिकों, अंत्योदय श्रेणी के लोगों और अन्य गरीब जनता को भरण पोषण भत्ता और परिवार के हर सदस्य को राशन देने का काम किया था। ये सहायता उनके लिए बड़ा संबल बनी थी और लोगों को रोजी रोटी की दिक्कत नहीं हुई थी। इस साल भी सभी श्रमिकों, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता और राशन देने का ऐलान किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो लोगों को सरकारी सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और सरकार का ये ऐलान कि हर जरूरतमंद को भरण पोषण दिया जाएगा बताता है कि सरकार बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए लॉकडाउन लगाने का प्लान भी बना रही है। साथ ही सरकार ने तमाम अधिकारियों को पात्रों की सूची बनाने के आदेश दिए हैं ताकि जरूरतमंदों को वक्त पर मदद मिल सके। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि भरण पोषण भत्ता के पात्र लोगों की सूची अपडेट कर ली जाए। इसी तरह राशन वितरण की कार्य व्यवस्था की समीक्षा कर ली जाए। भत्ता वितरण डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते प्रसार को ध्यान में रखते हुए दूसरे प्रदेशों से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की जरूरतों की पूर्ति करने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत दूसरे राज्यों से पलायन कर रहे मजदूरों के लिए इन क्वारंटाइन सेंटर्स में सभी सुविधाएं होंगी। दूसरे प्रदेशों से यूपी आने वाले इन प्रवासी मजदूरों की जांच कर रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इन सेंटर्स में रखा जाएगा, जहां चिकित्सकीय सुविधाओं संग खाने पीने की व्यवस्था का पूरा इंतजाम सरकार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।